Hello everyone. So today we are going to study the general introduction of botany. So first of all, we should know the biology because botany is the branch of biology. Biology को हम life science या फिर bioscience भी कहते हैं. Biology जो word है इसकी origin हुई थी Greek word. Bio means life and logos means study. Father of biology Aristotle है. टर्म बायोलॉजी फर्स्टली यूज बाई जीन बैप्टिस्ट इन 1802. देर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफेरेस्टस. फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल. फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इज विलियम रॉक्सबर्ग. एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट थियोफेरेस्टस इज द स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल. And there is a book Historia Plantarum which was written by Theophrastus. This is the oldest available literature in field of botany. There is another book Materia Medica. It was written by Dioscorides in which he gave information about drug plants. So now we are going to learn characters of living organism. There are so many characters of living organism. First is protoplasm. Protoplasm is the physical basis of life, and this sentence here, this was given by J. Huxley. Second, cellular structure. Living organisms are made up of cell. They may be unicellular or multicellular. Life cycle. Life cycle has different phases like birth, growth, reproduction, old age, and then death. Respiration. Living organisms respire continuously day and night. Metabolism. All the activities responsible for growth, maintenance and repair of cell. There are two types of metabolism, catabolism and anabolism. Catabolism is known as destructive process and anabolism is known as constructive process. Growth is the irreversible increase in size. Development. Growth plus differentiation is known as development. Nutrition. There are two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition includes saprophytic and parasitic. Saprophytic means feeds on dead organic matter, means those organisms which take their nutrition from dead organic matter, and parasitic are those organisms which feed on living host. Reproduction, capacity to produce young ones of their own kind. Irritability or sensitivity, phenomenon of responding to external stimuli. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं plants और animals के बीच का difference. यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं जिनके बेसिस पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ. जो प्लांट्स है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसमें ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद में, एक सर्टेन स्टेज के बाद में. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती. मीन्स सेल वॉल एनिमल्स में एबसेंट होती हैं. क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एनिमल्स में एबसेंट होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स में वो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक है. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में नहीं होता. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की वजह से होता है. फोटोसिंथेसिस इज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी. मूवमेंट जो प्लांट्स है उसमें स्लो मूवमेंट्स होता है. शो वेरिएशन ऑफ देयर ऑर्गन्स. एंड जो मूवमेंट है एनिमल्स में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेंट्रोसोम प्लांट में एब्सेंट होता है और सेंट्रोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होता है. वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है एंड वैक्यूल एनिमल्स में एब्सेंट होता है. लाइजोसोम मोस्टली एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में. लाइजोसोम एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैक ऑफ सेल भी बोलते हैं. एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता प्लांट्स में,
बल्कि जो एनिमल्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में है वो होलोफाइटिक होती है, मींस एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉयल इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, और एनिमल्स जो है वो होलोजोइक होते हैं, ऑब्टेन फूड इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट अ फ्यू एनिमल्स। जो साइटोकाइनेसिस हैं वो प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, मींस डिवीजन ऑफ सेल वो सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, और जो साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में होता है वो सेल फ्यूरो मेथड के थ्रू होता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बॉटनी एंड फेमस वर्कर्स एसोसिएटेड। सो फर्स्ट ब्रांच इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो है रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वेंसन। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज प्रोफेसर ए के शर्मा। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फेमस इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज प्रोफेसर पी महेश्वरी। मॉर्फोलॉजी, ब्रांच डीलिंग विद द फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन। फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट इज प्रोफेसर वी पुरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज द रिलेटेड टू एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज रिलेटेड टू इंटरनल फॉर्म एंड फीचर्स। इंटरनल मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स टू टाइप्स, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। Anatomy is the study of internal structure of plant and histology is the study of tissue. Morphogenesis, it is the study of formation of organs during development. Ecology, it is the study of relationship between organism and their environment. Father of Indian ecology is Professor